फ्रेंड्स अभी होटल आए हैं, ढाबा आए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो 1 बज चुके हैं और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है। तो अभी लंच करते हैं और फिर आगे की जर्नी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं लंच में यहाँ क्या क्या है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आ गए अंदर में और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ लंच पे, क्योंकि लंच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गर्मी के समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रही है मेरे को उमस की वजह से। और देखते हैं क्या क्या मिल सकता है खाने के लिए। चाहिए फ्रेंड्स, फाइनली आपने देखा कि मैंने लंच कर लिया है, तो अब चलते हैं अपने इनोवा गाड़ी में बैठते हैं और सफ़र फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 2 बजने वाले हैं, इसलिए तो चलते हैं। फ्रेंड्स अभी आया हूँ वाटरफॉल देखने के लिए, बट अभी गर्मी का समय है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि पानी नज़र आएगा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम लोग फैमिली सब जा रहे हैं वहाँ पे पहाड़ के नीचे, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, नज़ारा भी बहुत ही औसम होगा, और वहाँ पर बैठ के कुछ खाना पीना भी करेंगे। ऑलमोस्ट अपन तो खाना खा चुके हैं, बट जो भी छोटा मोटा जो भी अपन फल फ्रूट लेके आए हैं तो उसका मज़ा लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो नज़ारा देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा कि कैसा दिखता है वाटरफॉल। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेला वेला भी हो रहा है करके, वहाँ पार्किंग में कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ पे मेला हो रहा है, बट आप सुन भी सकते हो कि गाने की और देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। तो अपन पास चल के देखेंगे, और वहाँ पे एक कुछ है मंदिर टाइप का बना हुआ, वहाँ पे आदमी लोग भी दिख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बना हुआ है। जैसे तो इस साइड से रोड बनी हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आप नीचे उतरनी अपने को जो उस साइड भी जाने का है, तो वहाँ खड़े होकर आपको दिखाता हूँ लोगों को दिखाने के लिए पास से यहाँ का वाटरफॉल को। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत अजीब तरह के यहाँ से जो है वो गाना जो चल रही है आपको सुनाई भी दे रहा होगा, तो नीचे उतर के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वाटरफॉल यहाँ का, और यहाँ आप आके इंजॉय भी कर सकते हो। तो मैं झारखंड में हूँ जैसे कि यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अभी फिर नीचे चल रहा हूँ, सबसे नीचे जाने वाला हूँ, और देखते हैं कि नीचे से यहाँ का व्यू पॉइंट कैसा दिखता है झारखंड का। यहाँ पे देख सकते हो वाटरफॉल, क्योंकि नीचे से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अभी नीचे चल ही रहे हैं, और सीढ़ियाँ यहाँ पे अच्छी बनाई गई है जो कि कम्फर्टेबल सीढ़ियाँ हैं, ना फिसलने का डर है और ना गिरने का डर है, जैसे कि ये देख सकते हो पीछे तरफ। और यहाँ पे आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है एक बार, मेला जाने का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये है मेला जाने वाला जगह, और सब यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। चलो तो देख सकते हो यहाँ पे इतना खूबसूरत दिख रहा है, अगर पानी ज़्यादा रहता तो बहुत ही अच्छा दिखता। और पूरा पहाड़ी पहाड़ है देख सकते हो,
पहाड़ के अपन नीचे जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, और उस साइड था मैं, अपन बहुत नीचे आ चुके हैं। और देख सकते हो दोस्तों, वहाँ से मैं आया हुआ हूँ नीचे की ओर इस चीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी पत्थर के नीचे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा पत्थर है जो पहाड़ का रूप लिया हुआ है, और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है इसलिए बैठा हुआ हूँ। बाकी तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप में निकलो तो आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। आगे कुछ और प्लानिंग है बट मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है। तो ये जो वाटरफॉल है, मैं पहले बोला हुआ था कि एंड में बताऊंगा, तो ये है वाटरफॉल दस्सम जो कि झारखंड में आता है, झारखंड रांची। तो आके यहाँ विजिट कर सकते हो और इस तरह का सुंदर वाटरफॉल आप देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं और देखते हैं।